बॉयज स्कूल मंडी के दो होनहार खिलाड़ी नेशनल लेवल पर अपनी प्रतिभा का जोहर दिखाएंगे। मजेदार बात तो यह है कि दोनों चयनित युवा खिलाड़ियों का नाम एक ही है, आयुष नाम के ये दो खिलाड़ी बॉयज स्कूल में 12वीं कक्षा के छात्र है। आयुष पुत्र विजेंद्र का चयन बास्केटबॉल में हुआ है, जबकि आयुष पुत्र प्रेम बहादुर का चयन फुटबॉल में हुआ है। दोनों नेशनल खेलने से पहले प्रैक्टिस कैंप में तैयारी करेंगे। ये कैंप ऊना और पालमपुर में आयोजित किया जा रहा है। आज ये दोनों खिलाड़ी स्कूल के शारीरिक शिक्षक के साथ कैंप के लिए रवाना हो गए। हमारे लिए आज ये बहुत हर्ष का विषय है कि हमारे स्कूल के दो छात्र अंडर 19 टूर्नामेंट खेलने के लिए कैंप लगाने के लिए पालमपुर और ऊना जा रहे हैं। दो छात्रों के नाम आयुष हैं, ये प्लस टू के छात्र हैं। ये हमारे DP सर और हमारे जो शारीरिक शिक्षा अध्यापक हैं उनके नेतृत्व में ये काम कर रहे हैं, उन्होंने इनका मार्गदर्शन किया हुआ है। बहुत ही होनहार छात्र हैं ये, हमारे लिए हमारे स्कूल के लिए प्राउड मोमेंट्स हैं। मेरी शुभकामनाएं इनके साथ हैं कि आगे भी ये स्कूल का नाम इसी तरह से रोशन करें। तो ये छात्र, इनका जो नेशनल होगा वो फुटबॉल का नेशनल जो है वो 13/6/23 तक होगा, ये भोपाल में होगा। और बास्केटबॉल जो है वो NCT दिल्ली में है, और ये जो है ये 6/6/23 से लेकर 12/6/23 तक जो है ये इनका मतलब रहेगा सारा कार्यक्रम। बता दें कि बॉयज स्कूल मंडी और जिला के अन्य स्कूलों से पहले भी बहुत से छात्र नेशनल लेवल की प्रतियोगिताओं में भाग लेकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुके हैं। अब दो और युवाओं को इन प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिला है। हमारे स्कूल के दो छात्रों ने राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट्स में प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्राप्त हुआ है, जिनका चयन फुटबॉल और बास्केटबॉल के टूर्नामेंट्स के लिए राष्ट्रीय स्तर पर हुआ है, जिसमें मिस्टर आयुष कक्षा 12वीं और दूसरा बच्चा भी आयुष ही नाम से है। दोनों के एक के पिता का नाम विजेंद्र सिंह, आयुष पुत्र श्री विजेंद्र सिंह और आयुष पुत्र श्री प्रेम बहादुर। आयुष पुत्र श्री प्रेम बहादुर का चयन जो है वो फुटबॉल के टूर्नामेंट्स में हुआ है, और जिसका नेशनल जो है वो मध्य प्रदेश भोपाल में 10/6/2013 से 13/6/2013 तक 23 तक होने जा रहा है। और बास्केटबॉल का टूर्नामेंट्स 6/6/2023 से 10/6/2023 NCT दिल्ली में होने जा रहा है, जिसमें इन बच्चों ने पार्टिसिपेट करने हैं। और आज वो बच्चे जो हैं वो नेशनल स्तर के टूर्नामेंट्स के लिए रवाना हो रहे हैं।